तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हमारे बाल जो झड़ने लग जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि बालों का टूट जाना, झड़ जाना या फिर डैंड्रफ हो जाना, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे। ये हमारा बालों का टूटने जैसा जो प्रॉब्लम होता है, इससे बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत डर लग जाता है जब बाल झड़ना शुरू होता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। बात ये हो जाता है कि भाई साहब, अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, बाल झड़ने लग गए हैं, अभी तो उम्र ही हो रही है, अभी बाल झड़ने शुरू हो गए, कहीं मैं उम्र से पहले गंजा तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं चनेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं टकले तो नहीं हो जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे बुरे भयानक से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि घबराने से आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा और बाल का झड़ना भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये कोई खास और बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो ये बिल्कुल भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा बात जानते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों बाल झड़ने का जो सबसे मुख्य रूप से कारण जो होता है, मतलब मेन कारण जो होता है, वो होता है हमारे बालों के अंदर, यानी कि डैंड्रफ, यानी रूसी हो जाना। दोस्तों वो कैसे हो जाता है? दोस्तों हमारा बाल जो होता है ना, वो हमेशा नरम रहने की कोशिश करता है, यानी कि हमारा नेचुरल शरीर जो होता है, हमारा ये सर जो है, इसमें से हर बाल के जड़ से ऑयल प्रोड्यूस होता है, यानी कि तेल प्रोड्यूस होता है। वो तेल प्रोड्यूस यानी कि तेल निकलते हैं। वो क्यों तेल निकलते हैं? वो तेल इसलिए निकलते हैं ताकि हमारे बाल को वो नरम करके रख सके, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारे बालों में ढेर सारे बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, और वो बैक्टीरिया आकर के हमारे बाल के जड़ों से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसे आकर के वो चट कर जाते हैं, यानी कि खाने शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों कोई खाएगा तो फिर समझ ही रहे हैं ना, निकालेगा भी। तो दोस्तों वही काम करता है वो बैक्टीरिया, खाने के बाद वो हमारे सर के ऊपर ही ढेर सारे करके चले जाते हैं, यानी कि पॉटी। अच्छा, अब वो पॉटी करके चले जाते हैं तो क्या हम शैम्पू कर लेते तो वो धुल जाते हैं? जी हाँ, धुलते तो हैं, लेकिन दोस्तों वो जब हम रेगुलरली यानी कि कंटिन्यू जब हम शैम्पू करते हैं तभी धुलते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो आम शैम्पू होता है ना, वो शैम्पू से अगर आप चाहिएगा कि हम इसे इस पॉटी को हटा दें, वो पॉटी बिल्कुल भी धुलने वाला नहीं है, और वही पॉटी सूख करके आपके बालों के अंदर रूसी जैसा रूप ले लेता है। और दोस्तों वो होता क्या है कि आपका बाल जो पहले नरम हुआ करता था ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से, अब तो ऑयल भी नहीं आ रहा है, यानी कि वो सारे खा जा रहे हैं बैक्टीरिया, और वहाँ पे क्या कर दिए हैं, पोटी कर दिए हैं, वो सारा सूख करके क्या हो गए, रूसी हो गए। तो आपका बाल जड़ से हो जाना, मतलब कि कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है आपका बाल जो है वो जड़ से कमज़ोर हो जाता है। अब दोस्तों कोई भी चीज़ अगर जड़ से कमज़ोर हो गया तो उसे कोई भी उखाड़ के फेंक देगा ना, तो हालांकि दोस्तों उखाड़ के कोई फेंकता नहीं है, बल्कि हम लोग खुद का दुश्मन खुद ही बनते हैं। बालों में हाथ फेरते हैं, कंघी लगाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारा बाल झड़ जाता है, और ढेर सारा ऐसे ऐसे हाथ जब फेरते हैं तो हमारा बाल झड़ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक शैम्पू है, और मैं इसका कोई ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई बड़े यूट्यूबर हैं नहीं, और देख सकते हैं इतना ख़त्म हो गया। अगर मुझे इसका पेड प्रमोशन या फिर वीडियो ही बनाना होता, प्रचार ही करना होता, तो मैं जिस वक्त इसे खरीद के लाया था उसी वक्त इसका वीडियो बना लेता, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं इसको यूज़ किया, मुझे लगा फ़र्क पता चला, अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, ताकि हमारे भाइयों को सही इन्फॉर्मेशन पता चले, और वो अपने मतलब कि सर को गंजे होने से बचा ले, अपने उम्र को बिल्कुल तरोताजगी दिखा सके, और उम्र पे शादी हो जाए, बेचारों का टकले ना हो पाए। दोस्तों इसीलिए मैं ये शैम्पू के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है केटनाजोल शैम्पू, जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। दोस्तों तो एंटी डैंड्रफ का मतलब ये मत समझ लेना कि डैंड्रफ है, डैंड्रफ ही तो आपके बाल के झड़ने का कारण है, अभी जस्ट बता दिया ना मैंने। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ये शैम्पू खरीदना है, कहीं भी लोकल मार्केट में जाना है, खासतौर पर आपको ये मतलब कि मेडिसिन वाले दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर के केटनाजोल, यानी कि आपको हम ये दिखा भी देंगे, थंबनेल में भी दिख गया होगा, और आपको मतलब इसका फोटो भी लगा देंगे बगल में, नाम भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों आप इस शैम्पू को जाकर के मार्केट से खरीदें और इसे यूज़ करें। आप देख सकते हैं मैं इतना यूज़ कर लिया, फिर मुझे जब फ़र्क पता चला, अच्छा लगा, फिर मैं आप सभी को एडवाइस कर रहा हूँ कि हाँ आप भी ये शैम्पू लें और अपने बालों के जो भी डैंड्रफ है उसको हटाएं। और देख सकते हैं अभी मेरे बाल इतने मतलब घने हो गए ना कि मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले तो मेरे बाल बिल्कुल एकदम लग रहे थे क्या झड़ के, एकदम क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं वो चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था, बिल्कुल झाड़ी जैसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, मैं बाल को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ना खड़े कर पा रहा हूँ। अब ये दोस्तों ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम में मत लेना,
क्योंकि बाल गंजे हो जाने से बेहतर है बाल घने हो जाए, क्योंकि आप तो इसको खड़े कर ही लोगे जैसे मन चाहे वैसे, सेटवेट फेटवेट बहुत सारे हमारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं, या फिर आप इसको बाल को थोड़ा सा नरम करके पानी छीट करके आप खड़े कर लेना अगर आप खड़े करने चाहते हो तो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मतलब की शौक की बात है कि आप इसको जैसा भी स्टाइल करना चाहो करो, उससे पहले आप अपने बाल को घने करो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी जाकर के ये शैम्पू खरीदें और इसे यूज करें, और इन सभी के बारे में भी अगर आप वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और मैं इन सभी के लिए भी आप सभी को वीडियो ला करके आप सभी को बिल्कुल सही राय और सही सुझाव दूंगा, ताकि आप सभी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाए। धन्यवाद।